नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाडा प्रयागराज पहुंचकर प्रशासन द्वारा निषाद समुदाय की जीविका के साधन नावें जो पूरी तरह तोड़कर नष्ट कर दी गई थी, पीड़ित निषाद समुदाय के गांव में पहुंची और उनका दुख दर्द जाना। कांग्रेस महासचिव पुलिस प्रशासन द्वारा निषाद समुदाय की महिलाओं और बच्चों के साथ किए गए क्रूर व्यवहार के लिए प्रियंका प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रियंका गांधी का नाविक सुजीत निषाद ने स्वागत किया। सुजीत निषाद ने पिछले प्रयागराज दौरे पर प्रियंका गांधी के साथ नाव चलाई थी। इसके साथ ही नाविक बलिराम साहनी भी मौजूद रहे, जो गंगा यात्रा के दौरान प्रियंका के साथ रहे थे। प्रियंका गांधी के साथ गाड़ी में बैठकर नाविक सुजीत निषाद और बलिराम साहनी बंसवार गाँव पहुँचे, जहाँ निषाद समुदाय का पुलिस उत्पीड़न किया गया। बंसवार गांव पहुंचकर पीड़ित महिलाओं से मिलकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं आपकी समस्याएं और दुख को समझने के लिए यहां आई हूं, क्योंकि उस समय की सरकार ये समझती थी कि आपके अधिकार क्या हैं। वह ये बात समझती थी और पूरी दुनिया इस समय समझ रही है। जो पर्यावरण है, नदियां हैं, जंगल हैं, जो उसके आसपास रहते हैं, उनकी कमाई उसी से है, वे उसकी हानि कभी नहीं कर सकते। उन्होंने पीड़ितों से बात करते हुए कहा कि जो बड़े बड़े उद्योगपति ठेकेदार, उनके जीवन तो नदी जंगल से जुड़े नहीं होते, और तब तो वह व्यापार करते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता कि नदी की हानि हो रही है, जंगलों की हानि हो रही है। ये समझ आप में है, क्योंकि आप पुश्तों से ही ये काम कर रहे हैं और इसी काम पर आपका जीवन निर्भर है। इस काम के बिना आपका जीवन मुश्किल है, तो ये बात सब सरकार समझती है, तो ऐसे नियम कानून नीतियां क्यों नहीं बनाती जिससे आपका भला हो, नदी का भला हो। प्रियंका गांधी ने कहा कि वंशवार प्रयागराज में यूपी सरकार के प्रशासन ने निषाद बहनों भाइयों की नावें तोड़ दी थी। महिलाओं ने बताया कि उनके साथ भी ज्यादती की गई। प्रशासन ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। निषाद बहनें भाइयों के कहने पर यमुना के तट पर पुलिस द्वारा तोड़ी गई नावों को देखने गई सभी नाविक ने अपनी पीड़ा बताई। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके जाने के बाद यदि निषाद समुदाय को प्रताड़ित किया जाएगा तो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता आपकी मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।